चक्रवात दाना भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 23-24 अक्टूबर तक पहुंच सकता है। यह तूफान पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। कल तक यह मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के बाद 24 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा और 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर सकता है। 24 अक्टूबर तक इसके उत्तरी ओडिशा, पुरी और सागर द्वीप के तटों से टकराने की संभावना है। चक्रवाती तूफान करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तटों से टकरा सकता है। कल ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, खोरदा, मयूरभंज, क्योंझर, जाजपुर, कटक, ढेंकनाल और पुरी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं गंजाम और गजपति जिलों में मध्यम बारिश के आसार हैं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। 23 अक्टूबर को तटीय पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और बंकुरा जिले में अधिक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिलों में 24 और 25 अक्टूबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है, साथ ही सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर पूर्व मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में इस सप्ताह के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है।